सदगुरु के दिव्य कार्य के वास्ते आत्मसमर्पण करना अथवा तन मन धन अर्पण करना चाहिए। सदगुरु की कल्याणकारी कृपा प्राप्त करने के लिए उनके पवित्र चरणों का ध्यान करना चाहिए। गुरु के पवित्र उपदेशों को सुनकर निष्ठापूर्वक उनके मुताबिक चलना चाहिए। उल्लू सूर्य प्रकाश के अस्तित्व को माने या न माने, फिर भी सूर्य तो सदा प्रकाशित रहता है। उसी प्रकार अज्ञानी और चंचल मन वाला शिष्य माने या न माने, फिर भी गुरु की कल्याणकारी कृपा तो चमत्कारिक परिणाम देती ही है। गुरु में अविचल श्रद्धा शिष्य को कैसी भी मुसीबत से पार होने की गूढ़ शक्ति देती है। गुरु में दृढ़ श्रद्धा साधक को अनंत ईश्वर के साथ एक रूप बनाती है। केवल शुद्ध भक्ति से ही गुरु प्रसन्न होते हैं। गुरु भक्ति योग के अभ्यास से मन की शांति और स्थिरता प्राप्त होती है। स्वामी राम अपनी जीवनी में लिखते हैं कि सामान्यतः उपयोग की हर किसी वस्तु को अपने कब्जे में करना प्रायः बच्चों का स्वभाव होता है। यदि कोई वस्तु उन्हें अच्छी लग गई तो उसे वे अपने पास ही रखना चाहते हैं। वे अन्य बालकों को उसे देना नहीं चाहते, किंतु गुरुदेव का कहना था कि अगर तुम कुछ लेना चाहते हो तो पहले देना सीखो। जिन दिनों मैं पर्वतों में निवास करता था, दिन में केवल एक ही बार भोजन किया करता था, एक रोटी, थोड़ा सा साग और एक ग्लास दूध, यही मेरा भोजन था। एक दिन में लगभग 1 बजे हाथ पांव धोकर भोजन करने बैठा। मन ही मन भगवान को अर्पित करके मैं भोजन करने ही जा रहा था कि इतने में ही गुरुदेव आ गए और बोले, रुको। मैंने कहा, क्या आज्ञा है गुरुदेव? गुरुदेव ने कहा, एक वृद्ध महात्मा आए हैं, उन्होंने कई दिनों से भोजन नहीं किया है, तुम अपना भोजन उन्हें दे दो। मैंने कहा, गुरुदेव मैं भी तो भूखा हूं और बहुत भूखा हूं, अगर मैं अपना भोजन उन्हें दूंगा तो कल तक मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा। गुरुदेव बोले, अगर तुम एक दिन खाना नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे, इसलिए अपना भोजन उन्हें दे दो, यह मेरी आज्ञा है। किंतु ध्यान रखो कि भोजन श्रद्धा के साथ दो, प्रेम के साथ दो। ये केवल इसलिए नहीं कि मैं तुम्हें ऐसा करने के लिए कह रहा हूं। मैंने कहा, गुरुदेव मैं खुद भूख से तड़प रहा हूं और आप कह रहे हैं कि मैं उन्हें अपना भोजन दे दूं, वह भी श्रद्धा के साथ। भला उनके प्रति मेरे भीतर कैसे श्रद्धा हो सकती है?
जो मेरा भोजन लेना चाहता। गुरुदेव ने मुझे कई बार समझाया, जब फिर भी मैं नहीं माना तो उन्होंने जोर देकर कहा, मैं तुम्हें इन स्वामी जी को अपना भोजन अर्पित करने की आज्ञा देता हूं, तुम्हें ऐसा करना ही होगा। मैंने मन मान मार कर उनकी आज्ञा मान ली। वह वृद्ध महात्मा भीतर आए, उनकी दाढ़ी बिल्कुल सफेद और लंबी थी। उनके पास एक कंबल, खड़ाऊं और डंडे के अलावा कुछ भी नहीं था। वे अकेले ही पर्वतों में विचरण किया करते थे। वे महात्मा त्यागी और विरक्त पुरुष थे। जब वह भीतर आए तो गुरुदेव उनका स्वागत करते हुए बोले, भगवन, मुझे बहुत खुशी है कि आप यहां पधारे। कृपा करके आप इस बच्चे को आशीर्वाद दीजिए। मैं झट से बोल पड़ा उनके ही सामने, मुझे किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, मुझे आशीर्वाद नहीं चाहिए, मुझे भोजन चाहिए, मैं भूखा हूं। गुरुदेव ने कहा, यदि तुम इन निर्बल क्षणों में अपना संयम खो बैठोगे तो तुम्हें जीवन रूपी संग्राम में कभी भी विजय नहीं प्राप्त हो सकेगी। तुम प्रेम पूर्वक अपना भोजन इन स्वामी जी को अर्पित कर दो। पहले तो तुम जाओ जल ले आओ और उनके पैर धो। मन मार कर गुरुदेव की आज्ञा पालन करते हुए मैंने वैसा ही किया, किंतु भीतर ही भीतर मैं बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं था। मैं गुरुदेव की बात को बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था कि ऐसा कह क्यों रहे हैं और कर क्यों रहे हैं। मैंने इन स्वामी जी का पाद प्रक्षालन किया और गुरुदेव की कथना अनुसार मैंने उनसे भोजन ग्रहण करने की प्रार्थना की। बाद में मुझे पता चला कि स्वामी जी 4 दिनों से भूखे थे। वृद्ध महात्मा ने भोजन ग्रहण किया और बोले, भगवान तुम्हें प्रसन्न रखे, आज से तुम्हें भूख कभी नहीं सताएगी। तुम्हें भूख तभी लगेगी जब भोजन तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो, यह तुम्हें मेरा आशीर्वाद है। उन वृद्ध महात्मा के शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। उस दिन से मन को व्यग्र कर देने वाली क्षुधा से, भूख से मुझे मुक्ति मिली। जो मुझे छिछोरा बचकाना व्यवहार करने को बाध्य कर दिया करती थी। धन्य है मेरे गुरुदेव और धन्य है उनका अनुशासन और वह उनकी आज्ञा। स्वार्थ और निस्वार्थ, प्रेम और घृणा के बीच एक बहुत ही झीनी पर्दा होता है। उसको पार कर लेने के बाद मनुष्य अनासक्त भाव से अपने कर्मों को करने लगता है। फल की आशा त्याग कर कर्मों को करने में उसे सुख का अनुभव होने लगता है। अपने मन, शरीर और इंद्रियों की छोटी छोटी वृत्तियों पर विजय प्राप्त कर लेता है। स्वार्थ रहित हो जाना, अपने सुख को त्याग देना, जो कुछ भी परमात्मा ने दिया है उसे दूसरों को अर्पित करके सुखी होना, यह सब अध्यात्म के लक्षण है। त्याग के बिना कोई भी उपलब्धि संभव नहीं है, चाहे संसारिक हो या आध्यात्मिक। जो दूसरों के सुख में सुखी नहीं हो सकता, दूसरों के दुख में जिसे सहानुभूति नहीं होती, वह आध्यात्मिक ज्ञान से बहुत दूर है। वह हम और हमारे की सीमा में ही पड़ा रहता है। अपने को कष्ट में भी डालकर दूसरों को सुखी करना और भूखे रहकर
किसी भूखे व्यक्ति को तृप्त करना, सुखी करना, यह आध्यात्मिक कर्म है। इस प्रकार के कर्मों को करने से हम पुण्य को अर्जित करते हैं और पुण्यवान साधक के भीतर ही भक्ति, श्रद्धा, उत्साह, साहस और बल आदि वृत्तियों का उदय होता है। बिना सेवा के मेवा नहीं मिलता। कर्मों का सच्चा फल तभी मिलता है जब हम सेवा धर्म का पालन करते हुए परमात्मा का स्मरण करें और साथ ही साथ जप तप आदि में संलग्न रहें, अन्यथा सभी कर्मकांड, ज्ञान, जप और तप बिना सेवा धर्म के व्यर्थ हो जाते हैं।